मर गए के। ये जिंदा है, इशिका देखो ये जिंदा है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कंट्रोलर के बारे में जो कि आता है कॉस्मिक वाइट का, इंस्टर टेलर, आई थिंक मैंने सही प्रोनाउंस किया है। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करेंगे, और ये मेरा नहीं है, मेरे एक दोस्त का है, तो भाई उसके पास से मैंने लिया। मैंने सोचा चलो यार रिव्यू कर देते हैं एक छोटा सा, तो अभी आप अनबॉक्सिंग देख लो। एंड यार चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो लाइक कर देना। तो अभी इसको ओपन करते हैं। एक सीडी है जो कि कोई यूज नहीं करता, तो ये एक सीडी है। भाई ये रहा कंट्रोलर। तो भाई फर्स्ट फील में तो भाई सही है, थोड़ा मतलब एक्सबॉक्स टाइप का है एंड ग्रीन एंड ब्लैक है, एंड ये शायद थोड़ा सा मैट है तो इसमें फिंगर नहीं आ रही है। एंड इसमें सभी टाइप के बटन्स है, एक्स वाई ए बी, तो इसी में कनेक्ट करते हैं, कुछ गेम्स भी खेलेंगे। बाकी बिल्ड क्वालिटी एंड ये पकड़ने में एकदम सही लग रहा है मुझे। एंड अगर आप में किसी के पास है तो भाई मुझे बताना। एंड भाई ये क्लोज लुक, वैसे तो हम इतने प्रो रिव्यूअर नहीं है लेकिन कर देते हैं। एंड हाँ ये L1 है और ये भी है, ट्रिगर भी है इसमें। तो भाई कंट्रोलर देखने में तो एकदम सही है। एंड यार ब्लैक एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन बहुत सही लगता है मुझे। एंड भाई मुझे रेड गियर का ज़्यादा पसंद है तो मैं वो लूँगा। तो ये तो कंट्रोलर की कुछ नॉर्मल बातें हो चुकी है, तो अब इसको हम कनेक्ट करते हैं PC में, तो फिर PC में मिलते हैं। तो अभी जो कंट्रोलर है हमने PC से कनेक्ट कर लिया है। एंड बैकग्राउंड में GTA 5 चल रखी है। एंड भाई आप लाइटिंग देख सकते हो बहुत कम है, लेकिन है ही तो सही, एक बटन में है एक इधर है बस। एंड ये लाइटिंग है इसमें। एंड भाई अभी हमने GTA 5 चला रखी है तो हम देखते हैं कैसी चलती है। एंड शायद मैं इसको ऐसे रखूँ ताकि आपको थोड़ा दिखे, एंड गेम प्ले भी दिखे। तो चलो गेम खेलते हैं। ओके तो इससे ये चलती है गाड़ी, ऑडियो बंद कर देते हैं भाई कैसे होता है। ओके तो हमारा काम हो चुका है, तो अब हम शांति से गेम खेलते हैं। एंड भाई ये चल रखी है। एंड भाई इसमें वाइब्रेशन भी है और ये ठोक भी पहली बार में, तो मैं वैसे कीबोर्ड में ही खेलता हूँ, मुझे कंट्रोल में बहुत आता नहीं है। एंड अभी चल रही है अपनी गाड़ी, फिर से ठोक दी। एंड भाई वाइब्रेशन तो बहुत गजब आ रहा है, हाथ ही ले मेरे। ओके देखते हैं कैसे खेल सकते हैं हम इसमें। भाई मज़ा आ रहा है कंट्रोलर में। ओके कैरेक्टर स्विच करना होगा तो कैसे करेंगे, इसमें नहीं है ये। भाई बढ़िया है। तो भाई कंट्रोलर में GTA 5 खेलने में मज़ा ही कुछ और है, लेकिन भाई कीबोर्ड की भी बात कोई कम नहीं है, दोनों सही लगते हैं, मैं दोनों खेलता हूँ मैं। ओ भाई रेंज रोवर वेलार, इसको हटाना। तो भाई कैमरा स्विच करते हैं। ओके रेंज रोवर लेते हैं। तो भाई GTA 5 में तो भाई मज़ा आ गया मुझे खेलने में। तो अब फोर्ज़ा होराइज़न खेलते हैं, फोर वाली, फाइव तो भी भाई सही नहीं चल रही। तो भाई अभी फोर्ज़ा होराइज़न स्टार्ट रखी है। एंड भाई कंट्रोलर आप देख सकते हो, तो भाई स्टार्ट करते हैं खेलना। तो भाई ओके तो ऐसे ओके ओके गाड़ी चल पड़ी है। ओके टर्न अराउंड दफा का। ओके ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट ट्राई करनी है। ओके ओके ड्रिफ्ट 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 नहीं 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 बच गए।
ओके, तो वाइब्रेशन तो एकदम सही आ रहा है। ओके फोकस हो जा, ओके फोकस हो जा, ओके फोकस, वाइब्रेशन सही आ रहा है। ओके तो भाई GTA 5 भी अपने खेली भाई, उसमें भी मज़ा है, एंड फॉरज़ा होराइज़न में भी, बस इसमें पता नहीं है कि स्पेस बटन कौन सा है। ओके ये सही है, वो PC में हम ऐसा नहीं कर सकते, वो माउस पकड़ना पड़ता है, लेकिन ये सही है। एंड भाई अमेजिंग ग्राफिक्स, आज मतलब 3 वीडियो प्लान है। ओके ये भी सही है। ओके भाई मज़ा आ रहा है। ओके तो हमने ये भी खेल ली। ओके तो भाई ये रहा कंट्रोलर, तो भाई मुझे मज़ा आया इस कंट्रोलर के साथ गेम खेलने में, एंड भाई सही फील है, मतलब बजट में भी है एंड अच्छा कंट्रोलर है, तो वैल्यू फॉर मनी तो अगर बोले तो ये है ही, एंड भाई जो क्वालिटी है वो भी सही है। तो भाई कंक्लूजन की बात करते हैं कि भाई ये कंट्रोलर 1100 रुपये वर्थ है या नहीं। तो भाई अगर अभी मैं पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ, फर्स्ट इंप्रेशन की, तो भाई मैंने गेम खेली दो, एक GTA 5, एक फोर्ज़ा होराइज़न, एंड भाई मेरे में दोनों में एक्सपीरियंस एकदम बढ़िया था, एंड इसका वाइब्रेशन मोटर भी बहुत सही काम करता है, एंड भाई इसका जो ये बनाया है इसने वो भी मतलब डिज़ाइन एकदम मुझे सही लगता है अपने हाथों के हिसाब से, एकदम उंगलियाँ और ये सब आ जाता है, तो ये भी सही है। एंड बस RGB थोड़ी कम है इसमें लाइटिंग, तो वो बात अलग है, तो भाई सबके पर्सनल अलग अलग होते हैं। तो भाई फर्स्ट इम्प्रेशन तो बहुत सही रही है, एंड भाई क्वालिटी भी एकदम सही है, एंड चीप फील नहीं करा था, और कॉस्मिक बाइट जैसी ब्रांड की तरफ से आता है, तो भाई सही गेम पेड है, एंड भाई आप 1100 रुपये अगर इसमें लगा सकते हो तो लगाना, सही है। तो यही था आज की वीडियो में, कुछ भी सवाल हो या कुछ भी आप बताना चाहते हो कमेंट में बताना, या फिर इंस्टाग्राम पर मिलना, एंड चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, एंड वीडियो शेयर कर देना अगर पसंद आई हो तो, एंड बस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।